मैं अशोक मितवा आप सभी भोजपुरी श्रोताओं को एक बार फिर एंगल म्यूजिक के माध्यम से एंगल स्टूडियो के माध्यम से आप सभी को नमस्कार प्रणाम आदाब करता हूं। आज एक बार फिर एंगल स्टूडियो में एक नई स्टार एक नई फनकार से आपको मिलाने जा रहा हूं, जो अपने गायकी के बदौलत अपने सुरों के बदौलत अपने स्टेज के बदौलत आप सभी श्रोताओं के बीच में राज करती है। वो गायिका है प्रियंका पांडे जी। आइए आपको प्रियंका पांडे जी से मैं मिलवाने जा रहा हूं और उनसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे उनके जीवन के बारे में, अभी तक उनने क्या किया, कितना स्ट्रगल करके कहां तक आई। आइए आप सबको मिलवाने जा रहे हैं। प्रियंका जी, आपको एंगल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मेरे तरफ से सबको धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद। अभी आप एंगल स्टूडियो में मौजूद हैं और आपका मैंने लोकगीत सुना है, लाइव भी आपने गाया, सीक्वेंस भी अभी कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी सुरीली गाती हैं। अभी जो लाइव हुआ था उसमें भी आपने बहुत अच्छा अभिनय करके ही उसे मैंने गीत को आपने सजाया था और अभिनय करके इंटरटेनमेंट कराने का कोशिश किया है। तो आप एंगल म्यूजिक तक पहुंची हैं, आप कितने दिन से मैंने इस गायकी लाइन में हैं, कितने दिन से संगीत के क्षेत्र में आप में हैं? जी सर, मैं तो इस लाइन में 2004-05 यानी बचपन से ही, मुझे बचपन से ही इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, मिला है, अच्छा लगता है मुझे संगीत लाइन से, मुझे बहुत लगाव है, बहुत सारा प्रेम है, मैं बचपन से ही इस लाइन में। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहने का मतलब कि जो सरस्वती का वास है आपको बचपन से ही मैंने बसा हुआ है ना, आप इतना अच्छी गाती हैं, तो आपने संगीत सीखा हुआ है या ऐसे ही गाती है? नहीं सर, मैंने संगीत सीखा हुआ है जी। मैंने 7 साल का संगीत कोर्स किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से जी। जो कि मेरे गुरु जी हैं हथुआ विद्यानंद उपाध्याय जी हैं, नागेंद्र सर हैं, इन लोगों का देन है जो कुछ मैं गाती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जनार्दन लोगों का प्यार मिलता है, श्रोता लोगों का आशीर्वाद मिलता है, प्लस आप लोगों का भी सपोर्ट है, इस एंगल म्यूजिक का सपोर्ट है जो मैं आज तक यहाँ हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं प्रियंका जी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का हाथ रहता है, माने कि आप एंगल म्यूजिक तक पहुंची है, आपको इतने लोग प्यार करते हैं, आप स्टेज स्टार के नाम से जानी जाती हैं, तो आपको यहाँ तक पहुँचाने में किनका श्रेय है? सबसे बड़ी बात ये है कि आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, जो कुछ भी है मेरे फैमिली का सपोर्ट है, मेरी मम्मी है, मेरे भाई लोग हैं, मेरी दोस्त है, सब लोग हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, आज मैं यहाँ हूँ। और सबसे बड़ा दिन है श्रोता लोगों का, ये लोग मुझे स्टेज पे अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना प्रेम देते हैं, इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। वो तो है, जनता जनार्दन होते हैं, जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, वो जिसको चाहे जीरो बना दे और जिसको चाहे हीरो बना दे। आप जैसे आप कह रहे हैं कि 2004-05 से ही आप गा रही हैं, तो आप 2004-05 से तो बहुत सारे कंपनियों में आपने गाना गाया होगा, बहुत जगह गई होंगी, बहुत लोगों से मिला होगा, लेकिन जब आप एंगल म्यूजिक में आई हैं, एंगल कंपनी में आई, तो यहाँ के लोग और यहाँ के MD जो हमारे नवेश सर है, तो और इनका कैसा व्यवहार लगता है, और अदर मैंने दूसरे की अपेक्षा इनका व्यवहार आपको कैसा लगता है, और एक कलाकार को कैसे सजेशन देते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं? देखिए, बचपन से मैंने बहुत सारी कंपनियों में गाया हुआ है, सभी जगह मैं गई हूँ, हर कंपनी में गई हूँ, लेकिन मैं एक बात आप सबको बताना चाहती हूँ, श्रोता लोगों से सबसे मैं बताऊँगी कि एंगल म्यूजिक जो कुमार रमेश जी हैं, आज देखिए आज ये एंगल म्यूजिक है, बड़े बड़े स्टार कलाकार आज सब कोई हैं, जैसे मैं बता दूं पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी हैं, आलम राज हैं, विक्की बगुआ हैं, सारे सिंगर हैं, यहाँ तक कि गोपालगंज जिले नागेंद्र उजाला जी हैं, आज सब कोई स्टार्टिंग में एंगल म्यूजिक में आया, सब कोई एंगल म्यूजिक से ही उत्थान सबका हुआ है, सब कोई यहीं से, जो अब बोले जीरो से हीरो, तो जीरो से हीरो बनने के लिए सारे सिंगर एंगल म्यूजिक में ही आते हैं। देखिए, मैं भी आज एंगल म्यूजिक में आई हूँ और मेरा भी मन है
कि जैसे सारे सिंगर लोगों को प्यार दुलार आशीर्वाद मिला, वैसे मुझे भी मिले और सारे कंपनियों में मैंने गाया हुआ है। लेकिन जो रमेश जी का स्वभाव है, उनका जो उनकी शालीनता है, उनका जो मतलब उनका दिल है, इतना कोमल है, सभी कलाकार को बराबर सपोर्ट करते हैं, वैसे मैंने आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया और हमारे तरफ से शुभकामना है कि जैसे और लोग यहाँ से स्टार बन के गए, जो भोजपुरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहे, हमारी शुभकामना रहेगी, हमारे पूरी टीम की शुभकामना रहेगी एंगल स्टूडियो एंगल परिवार की तरफ से कि आप भी स्टारों के स्टार बने, सुपर से ऊपर स्टार बने। लेकिन एक बात और पूछना था मुझसे, ये जैसे कि आप गाती भी हैं, आप स्टेज स्टार के नाम से जानी जाती हैं, अभी आपका गत एल्बम भी आने वाला है जो आपने यहाँ लाइव किया था, सीक्वेंस किया, बहुत अच्छी गाने आने वाला है और आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत लोग बताते भी हैं कि प्रियंका जी का पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, गायकी की बदौलत स्टेज पे बहुत इनका मैंने अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। तो अगर आपको, अभी हम लोग कुछ दिनों में एक पिक्चर करने जा रहे हैं एंगल म्यूजिक के माध्यम से, तो उसमें अगर आपको अभिनेत्री के रूप में अगर मैंने उसमें आपको लाया जाए अभिनय करने के लिए, तो क्या आप करने के लिए इच्छुक हैं? देखिए, बात जहाँ तक फिल्मों की है तो एंगल में मैं आई हूँ तो मुझे पता है कि मुझे चांस मिलेंगे कुछ मूवी करने का, मैं मूवी करूँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सुथरी अच्छी मूवी हो, जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई हो, उस मूवी में साफ़ सुथरा अगर रोल रहेगा मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और अभी आप कुछ श्रोताओं को बोलना चाहेंगी, अभी आपके जो एल्बम आने वाले हैं, जो लोकगीत आने वाले हैं, जो लाइव किए हैं वो आने वाले हैं, तो आप श्रोताओं को बताऊंगी कैसे गाना है और उसको आप अपना जो भी बताना चाहेंगे आशीर्वाद जनता जन से लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं। जी, मैं सबको बता दूं कि मैंने एंगल म्यूजिक से बहुत सारा एल्बम किया हुआ है, कुछ लाइव गाने हैं, माता रानी के कुछ भजन हैं, कुछ लोकगीत हैं, कुछ लाइव सीक्वेंस वगैरह, सब हर तरह के गाने हुए हैं। आप सब एंगल म्यूजिक को देखेंगे, मुझे देखेंगे और एंगल म्यूजिक के चैनल पे मेरा सारा गाना आएगा, आप सब देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर देंगे। मेरा देवी गीत है कि मैया के लागे ना नजरिया तनी काजल लगा दी, मैया के लागे ना नजरिया तनी काजल लगा दी। आइए पढ़ी हूँ बीए पढ़ी हूँ एमए कौन पढ़ाएगा, आइए पढ़ी हूँ बीए पढ़ी हूँ एमए कौन पढ़ाएगा, तो सुनो ये राजा जी बेलनवा हमसे नहीं धराएगा, सुनो ये राजा जी रोटियां हमसे नहीं बेलाएगा, सुनो ये राजा जी। चैनल को देखें और एंगल म्यूजिक को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और काफ़ी से काफ़ी शेयर करें, सबको शेयर करें और सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय माता।